it is important right now, not for Sachin, but the entire cricket board, to stop saying things like, I don't want to give Pakistan 2 points. I don't care about the 2 points. I care about the dignity of the nation. तो अब यही रह गया था सुनने के लिए, शर्म करो देशद्रोहियों के नारे पर आप सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर के खिलाफ भीड़ को भड़काएंगे क्या? इस देश में इससे बदतर भी होना बाकी है? आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। न्यूज चक्र में आज क्या है खास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मचारियों के पांव धोए, क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी के तिलिस्म को तोड़ने का यह एक तरीका हो सकता है? दूसरा, नफरत प्लस नकली राष्ट्रवाद इक्वल टू टीआरपी और वोट की बंपर फसल। दोस्तों, चुनावों के दो चरण होते हैं। पहले चरण में नेता आपके चरण में और दूसरे चरण में आप नेताओं के चरण में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों के पैर धोए। अगर आपको लगता है कि इसका मकसद वोट की सियासत नहीं है, तो या तो आपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है या फिर आप बेहद मासूम हैं। मगर दोस्तों, इससे पहले कि हम प्रधानमंत्री के इस पूरे एक्शन की, इस सियासत की व्याख्या करें, इस तस्वीर पर गौर कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूट बूट पहनकर प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं। आप जानते हैं इसमें विडंबना क्या है? संसद में प्रधानमंत्री का वो भाषण याद है आपको कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रेनकोट पहनकर नहाते हैं, यहां तो महोदय आप पूरे सूट बूट पहनकर प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तस्वीर पर गौर करते हैं। जी हां, इस तस्वीर का प्रसार और प्रचार बहुत जबरदस्त ढंग से किया जा रहा है। मीडिया जो है उसे जबरदस्त ढंग से प्रचार कर रहा है। मगर ऐसे मौके पर जब मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री द्वारा सफाई कर्मचारियों के पैर धोने को लेकर प्रचार कर रहे हैं, हम इस तस्वीर को भूल गए हैं। जी हां, यह तस्वीर, नाम है अमन ठाकुर, एक और सैनिक, एक और सुरक्षाकर्मी जिसे मौत के घाट उतार दिया गया है कश्मीर में, और यह आंकड़ा 50 से ऊपर पहुंच गया है। शहादत पर आप सियासत तो कर रहे हैं, मगर जो हमारे सुरक्षाकर्मी मारे जा रहे हैं उस पर आप पूरी तरह से खामोश हैं। क्यों, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अब बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री की इस तस्वीर की, इस तस्वीर में जहां वो कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अब इस तस्वीर को गांव गांव तक फैलाया जाएगा, मगर क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को दलित और ओबीसी का वोट मिलेगा? इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि 2014 और 2017 में दलितों और ओबीसी का बहुत बड़ा वोट बीजेपी को गया था। मगर 2017 में जब यूपी विधानसभा में बीजेपी जीतती है तो होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना देती है, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद प्रदेश में मानो ठाकुर राज आ जाता है। ठाकुर राज आने के बाद जो दलित और ओबीसी वोट है उसमें काफी हद तक नाराजगी पैदा होती है। जी हां, यह तस्वीर इसलिए भी दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मायावती और अखिलेश के साथ आने से बौखला गई है। क्या यह तस्वीर उसका इलाज है, और क्या इस एक तस्वीर से वोट बदल जाएगा? मगर इससे पहले आपको इस आंकड़े पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। आरटीआई से जो जानकारी मिली है उससे पता चला है कि मोदी सरकार ने पिछले 4.5 सालों में मैनुअल स्कैवेंजर्स, यानी कि जो अपने हाथ से मैला साफ करते हैं, उसके लिए एक नया पैसा जारी नहीं किया है। और आरटीआई की ये याचिका यह भी बताती है कि जो 55 करोड़ खर्च किया गया था यूपीए के कार्यकाल में 2013 में, उसका आधा पैसा अब भी बचा हुआ है। तो आप बताइए कि इस तरह से सफाई कर्मचारियों के पैर साफ करने से क्या आप हकीकत से मुंह मोड़ सकते हैं? दोस्तों,
दोस्तों हमें यह देखना होगा कि ग्रामीण इलाकों में और किसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा असंतोष जो है वहीं पर है। मगर आपने इसके पीछे की चतुर सियासत को नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे थे और उनके माथे पर चंदन था, और यह काम हुआ है प्रयागराज में जहां पर कुंभ हो रहा है। यानी कि एक ही थाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडल और कमंडल दोनों पेश कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या जनता आशीर्वाद देगी? दोस्तों आपको गौर करना पड़ेगा। आज आप सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर निगाह डालें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर है, क्योंकि वो न्यूज 18 नेटवर्क पर अपनी बात जो है वो बोल रहे हैं। जी हां, और यही नहीं, कुछ ही दिनों पहले वो इकोनॉमिक टाइम्स के एक समिट में भी गए थे। मार्च का महीना जब शुरू होगा तो प्रधानमंत्री कई जगहों पर इसी तरह से बोलते नजर आएंगे। यानी कि टेलीविजन पर या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करते नजर आएंगे या इस तरह के समिट्स पर नजर आएंगे। तो या तो मोदी या अमित शाह या फिर बीजेपी का कोई नेता, सिर्फ यही लोग दिखने वाले हैं टीवी पर। यकीन मानिए दोस्तों, मुझे तो तरस आता है इस देश के विपक्ष पर, क्योंकि हमारे जो पत्रकार हैं आज भी सवाल विपक्ष से ही पूछते हैं। टेलीविजन पर अगर किसी की धुलाई होती है तो विपक्ष की होती है, तो बीजेपी की तो बल्ले बल्ले। और न्यूज चक्र में अब बारी हमारी दूसरी पेशकश की। दोस्तों अब आपके पूरे स्क्रीन पर आप इस न्यूज चैनल का संदेश देखिएगा, शर्म करो देशद्रोहियों, और उसमें सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर की तौहीन। जी हां, वो सुनील गावस्कर और वो सचिन तेंदुलकर जिन्होंने न जाने कितने मोर्चों पर देश का नाम रोशन किया है, उनके नाम को देशद्रोहियों के साथ जोड़ देना। और सचिन तेंदुलकर ने कहा क्या था दोस्तों, सुनिए क्या कहा था उन्होंने। सचिन ने सिर्फ यह कहा था कि भारत ने हमेशा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया है, वक्त आ गया है कि उन्हें एक बार फिर हराया जाए। निजी तौर पर मैं उन्हें मुफ्त के दो अंक नहीं देना चाहता, यानी कि वो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ खेले। मगर गौर कीजिएगा, मगर अगर सरकार मैच को बॉयकॉट करना चाहती है तो मैं सरकार के साथ हूं, मैं सरकार का साथ दूंगा, भारत मेरे लिए पहले आता है, और जो भी फैसला मेरा देश करता है मैं उस फैसले के साथ खड़ा हूं। दोस्तों यानी कि इन न्यूज चैनल्स के प्रोपेगेंडा पर अगर कोई चलने को तैयार नहीं है तो उसे देशद्रोही करार दो। जी हां, सचिन ने कहा कि मैं सरकार के साथ हूं, फिर भी उनके नाम को देशद्रोहियों के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह चैनल देशद्रोही कह रहा है, मगर यह चैनल ये मास्ट चला रहा है कि शेम ऑन एंटी नेशनल्स, और उसमें नीचे सचिन और गावस्कर के खिलाफ देश की जनता को भड़काया जा रहा है। दोस्तों आज मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सुनाना चाहूंगा जो उन्होंने कश्मीर चुनावों के दौरान कहा था। इस बाइट में, इस साउंड बाइट में प्रधानमंत्री इस बात पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि उन्हीं के सरकार के दौरान सेना के अफसरों पर कार्रवाई हुई है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए। सुनिए, पहली बार 30 साल में पहली बार ये मोदी सरकार की कमाल देखिए, पहली बार सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो दो नौजवान मारे गए थे सेना की गलती थी, और सेना ने अपनी गलती मानी, इंक्वायरी कमीशन बैठे, और जिन लोगों ने गोली चलाई थी उन पर केस दर्ज कर दिया गया। ये मेरे नेक इरादों का सबूत है मेरे भाई बहन। दोस्तों अगर सेना ने कुछ गलत किया है तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर सेना को लेकर सबसे ज्यादा सियासत कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा कि मेजर गोगोई ने जब एक व्यक्ति को अपनी बोनेट पर बांध दिया था उसको लेकर सबसे ज्यादा हल्ला किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली में कह रहे हैं कि हमने सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की। अब इन भक्तों से पूछना चाहिए क्या आप प्रधानमंत्री को भी एंटी नेशनल करार देंगे, क्योंकि इन्होंने सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। और अब आपके सामने ये तस्वीरें। दोस्तों ये तस्वीर है हाल ही की, यानी कि 23 फरवरी की, जिसमें पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ यानी कि सत्तारूढ़ तहरीक इंसाफ से ये सांसद आया है। ये सांसद जो है वो विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है। इनका नाम रमेश कुमार है। ये कुंभ भी गए, इन्होंने कुंभ में भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उसकी ग्रुप फोटोग्राफ छापी। आज मैं तमाम लोगों से सवाल करना चाहूंगा,
कि क्या वो जनरल वीके सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को एंटी नेशनल करार देंगे, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी सांसद से मुलाकात कर रही हैं। और एक और बड़ी चीज, 50 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत को निमंत्रण दिया है और हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वहां जा भी रही हैं। ये वो OIC है दोस्तों, जिसने पिछले 50 सालों में कश्मीर के खिलाफ, भारतीय हितों के खिलाफ अनाप शनाप प्रस्ताव पारित किए हैं। तो मेरा सवाल मोदी सरकार से कि 50 सालों में जिस तरह से इन्होंने कश्मीर की तौहीन की है, भारत की तौहीन की है, क्या आप उन तमाम चीजों को भूल जाएंगे? मैं मानता हूं कि राष्ट्रहित अलग होता है, सियासत अलग होता है, मगर हकीकत यह है कि यह पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रहित और सियासत, कूटनीति और सियासत दोनों को गड्ढमड्ढ कर रही है, दोनों को मिला रही है और यह देश के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, नफरत का माहौल इतना बढ़ गया है कि हैदराबाद स्थित कराची बेकरीज को एक संदेश देना पड़ा है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि उनके नाम में कराची है, लिहाजा कहीं लोग उन पर हमला ना कर दें। इनका संदेश क्या है वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए, सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। ये संदेश कुछ इस तरह से है, वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट कराची बेकरी वॉज फाउंडेड बाय श्री खानचंद रमनानी। इसकी जो स्थापना है वो खानचंद रमनानी ने की थी जब वो पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद भारत आ गए थे। ये ब्रांड 1953 में स्थापित किया गया है और एक इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी है, जो कि हैदराबाद स्थित है। द एसेंस ऑफ कराची बेकरी इज एब्सोल्यूटली इंडियन बाय हार्ट एंड विल रिमेन सो। यानी कि जो कराची बेकरी है वो दिल से हिंदुस्तानी है और वो लगातार बनी रहेगी। हम अपील करते हैं कि हमारे बारे में गलत प्रचार ना किया जाए। हद होगी दोस्तों, ये हालत हो गई है भारत की। और अब सुनिए इन्हें, बेहोश कपिल मिश्रा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में महाशय बेहोश हो जाते हैं। इनका जहर भरा संदेश या जहर भरी कविता आपको देखनी पड़ेगी। ये शख्स खुलेआम लोगों को लिंच करने का संदेश दे रहा है, सुनिए। कोई बरखा पुलवामा से ध्यान हटाने लगती है, कोई कविता स्वरा देश को बदनाम कराने लगती है, कभी PM के बारे में झूठ फैलाया जाता है और कभी कश्मीरियों को अंडर अटैक बताया जाता है, कोई नसरुद्दीन देश को दहशत में बतलाता है लेकिन अगले दिन कराची पूंछ हिलाता जाता है, कोई कमल हासन करता है जनमत संग्रह वाली बात, कोई शहला रोज फैलाती देश विरोधी झूठी बात, अब की बारी उनके घर में घुसकर करना होगा वार, अब की बारी उनके घर में घुसकर करना होगा वार, खींच निकालो बीच सड़क पर घर में छिपे हुए गद्दार, खींच निकालो बीच सड़क पर घर में छिपे हुए गद्दार। जय हिंद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कपिल मिश्रा बरखादत्त, पत्रकार बरखादत्त, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और कार्यकर्ता शहला रशीद के खिलाफ लोगों को लिंच करने के लिए भड़का रहा है कि उन्हें सड़कों पर लाया जाए, उनके घरों से घसीटा लाया जाए और फिर उन पर एक्शन किया जाए। और यही नहीं, विवेक अग्निहोत्री, फ्लॉप फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, जो कि सरकार का चाटुकार है, अवसरवादी चाटुकार है, इन्होंने भी बाकायदा एक पोल किया ट्विटर में कि जो लोग सेना को जाति के नाम पर बांट रहे हैं उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, जिसमें एक विकल्प था कि जनता को, इन पत्रकारों को सड़क पर लाना चाहिए। और सड़क पर क्या करना चाहिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप कैसा समाज बनते जा रहे हैं, आप कैसा समाज बनते जा रहे हैं जहां आप एक दूसरे से संवाद तक नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट का बस एक जरिया है वो है हाथ उठाकर सामने वाले को मारने पीटने लगना। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या इस तरह का समाज, इस तरह का भारत आप आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं? क्या आपके बच्चे भविष्य में जाके इस भारत के लिए आपको माफ करेंगे? दोस्तों, यही नहीं, नफरत का यह धंधा ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को मदद करता है बल्कि न्यूज चैनल्स को भी।
अब जिस न्यूज चैनल का मैंने जिक्र किया था दोस्तों, सिर्फ दो हफ्ते में यह न्यूज चैनल नंबर चौथे या पांचवें नंबर पर आ गया है। यह है तस्वीर। और न सिर्फ नफरत के आधार पर बल्कि गलत खबरों के आधार पर, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी किस खबर के साथ कि 29 साल पहले सैकड़ों राम सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, उन्हें कहीं दफन कर दिया गया है, और यह खबर सरासर झूठी थी जिसको एक्सपोज हमने यही न्यूज चक्र में किया था। फिर उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर बवाल मचाया, बगैर परमिशन के घुस गए और वहां बवाल मचाया, और अब यह खबर जिसमें वो सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि मेरा निजी तौर पर मानना है दोस्तों कि पिछले 4 सालों में रेटिंग्स पूरी तरह से मोदी सरकार के हाथ में है, यानी कि अगर आप उनके एजेंडे पर चलेंगे तो आपको दमादम छप्पर फाड़ रेटिंग्स मिलेंगी। और इसका प्रमाण यह है कि जब एबीपी न्यूज ने अपने कार्यक्रमों के जरिए सरकार की नीतियों की बात की थी तो इस चैनल को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा था, मगर अब हालात बदल गए। और दोस्तों आप देखिए इस पाकिस्तानी पत्रकार को भी। जी हां, अगर यहां हैं लोग जो नफरत फैला रहे हैं, वहां तो और भी बड़े महाशय हैं। सुनिए, तौबा तौबा। इंडिया की 125 अरब आबादी ने पाकिस्तान का टमाटर बंद करके एक नीच हरकत की है। उनका यह ख्याल है कि पाकिस्तानी जो है टमाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन मैं ये तौबा तौबा का ये मकाम है कि इस वक्त जो है टमाटर बंद करके जिस तरह उन्होंने कहा है, और ये हम टमाटर मोदी के राहुल के मुंह पर मारते हैं, तौबा तौबा, ये इंडियन की गंदी और नीच हरकत की है। और जिस तरह इंडियन आज जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, जिस तरह मीडिया इंडिया का जल रहा है, और इसी तरह उनके टमाटर भी जलेंगे। और मैं हिंदुस्तान के मीडिया को और हिंदुस्तान की 125 अरब आबादी को ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और ये एटम हम अपने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए नहीं बनाए, ये एटम हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए गए हैं। और तौबा तौबा, अब वो वक्त आ गया है कि टमाटर का जवाब जो है एटम बम से दिया जाएगा। और इस माहौल में आपको और हम सब को एक सकारात्मक संदेश देना है, क्योंकि इसमें दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी खुलकर सियासत कर रही है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर एक सज्जन है जो झंडे लगा रहे हैं एक गली में, तब एक युवक आता है कि कहता है भाई सैनिक शहीद हो रहे हैं और आप बीजेपी के झंडे लगा रहे हो। देखिए, फोन ना कर, मैं कर लो फोन, तसल्ली फोन कर रहे हैं, ये फोन का गंदा है, करो नहीं फोन करो, विधायक को बुला लो, विधायक का मतलब बुला लो ना। अब भैया का मंत्री है, देख ले भाई ऊपर की ओर दिखा दे, सब लगाते हुए आ रहे हैं, ये काम हो रहे हैं, सरहद पे सैनिक शहीद हो रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, लाइव चला वीडियो। ये जो शख्स है जिसने उस बुजुर्ग को रोका, एनसीआई का सदस्य है और बाद में शायद उसको जेल में भी डाल दिया गया है, मगर जो मुद्दा उसने उठाया वो तो बहुत सही है। सैनिक शहीद हो रहे हैं और आप गलियों में झंडे गाड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, हमने न्यूज चक्र के जरिए, न्यूज क्लिक के जरिए बार बार आपको बताया कि पुलवामा के नाम पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी किस तरह की शर्मनाक सियासत कर रही है, मगर आप जो जनता हैं आपको गौर करना होगा कि क्या आप इस सियासत में बह जाएंगे, क्योंकि अपने शहीदों को याद करना, उनके लिए कुछ करना, उसमें कोई गलती नहीं है, करना चाहिए आपको, उनके परिवारों के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, मगर जिस सियासत से समाज में दोहराव हो, जिस सियासत से हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो, क्या उस तरह का सियासत, क्या उस तरह की सियासत चाहेंगे आप? गौर कीजिएगा मेरे इस बात पर। तो न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, और मेरी आपसे अपील कि हमारे शो को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और न्यूज क्लिक के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।